अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज सबके हर दिल अज़ीज़ चिकन टिक्का, पूरी पराठे और हलवाई स्टाइल में हलवा बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के अदरक, 1 टेबल स्पून भर के लहसुन, 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चें पिसी हुई और 2 चमचे भर कर मेरे पास प्याज गोल्डन, और उसको भी हमने हाथ से क्रश किया हुआ है, ठीक है। और 1 टेबल स्पून भर के मेरे पास कच्चे पपीते के हैं, 1/2 कप मेरे पास दही है पिटा हुआ, इसके अलावा मेरे पास लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पर गरम मसाला, 1 टी स्पून ज़ीरा और 1 टी स्पून चाट मसाला, और थोड़ा सा चुटकी भर मेरे पास यहाँ फूड कलर है। यहाँ पे हम जो है वो चिकन को डीप कट्स लगाएंगे ताकि जो है हमारी चिकन टिक्के बहुत ही मज़ेदार, जूसी अंदर तक, फ्लेवरफुल बने। और आप देखें कि मैं किस तरह से जो है कट लगा रही हूँ, डीप कट्स लगा रही हूँ। डीप कट लगाने के बाद जो है मैं बड़े बाउल में सारे मसाले जो है एक साथ मिक्स कर लूँगी और खूब अच्छी तरह हाथों की मदद से खूब इन कट्स के अंदर मसाले लगाऊंगी खूब अंदर तक, ठीक है, ताकि अंदर तक ये मसाले चले जाएं और जो है हमारा जो है चिकन टिक्का बहुत ही फ्लेवरफुल बने, ठीक है। जब हम मसाले मिक्स करेंगे इसमें तो हम इसमें 4 टेबल स्पून घी के और 1 टेबल स्पून भर के सिरके के शामिल करेंगे। अगर आपके पास लेमन है तो आप एक बड़ा लेमन इसमें डाल लें। मेरे पास फ़िलहाल लेमन नहीं था तो मैंने इसमें जो है 1 टेबल स्पून भर के सिरके के शामिल किए हैं। सारे जो मसाले हमारे जो हमने क्रश किए हैं, पीसे हैं, और जो हमारे बाकी मसाले हैं हम एक साथ ही दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा ये इसको मिक्स करने के बाद सिरके और घी के साथ हम सारे मसाले को चिकन पे लगा देंगे। वो जो मेरा छोटा सा पार्ट है मसाले लगाने का चिकन पे, वो मेरे से जो है वो मिस हो गया है। तो आप बस मैं मिक्स करने के बाद उनको अच्छी तरह से चिकन पे लेप लगा दूंगी। तो आप बस यही समझ लें कि अच्छी तरह से खूब को आपने हाथ से मसल मसल के खूब अच्छी तरह चिकन पे लगाना है। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये चिकन की ही है, आप इसको बीफ में ट्राई मत करिएगा, ये चिकन की ही रेसिपी है, ठीक है। पूरी पराठों के लिए हम यहाँ पे सिंपल मैदा लिया है हमने, उसमें नमक शामिल किया है और उसको अच्छी तरीके से खूब मुक्की लगा लगा के गूंदा है, और ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है आटा इसका रेडी है। उसके बाद पूरी पराठे बनाने से पहले हमने सारे जो अपने पूरी पराठों के पराठे के पेड़े हैं हमने एक साथ ही बना लिए हैं ताकि वो थोड़ी देर जो है वो ठहर जाए, और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से बेल के, ये देखें ये रेडी हो गए हैं और थोड़ी देर गुजर चुकी है। तो और जब ये बने तो बहुत ही अच्छी फूली फूली सी हमारी पूरियाँ बने। अच्छा, मैं चिमटे की मदद से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसको चमचे की मदद से भी, एकदम से आप जब गरम गरम तेल में अपनी पूरियाँ डालेंगे तो उसको चमचे को नीचे प्रेस करेंगे और ये माशाल्लाह फूली फूली सी आपके पूरी पराठे जो है वो बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। इसके अंदर मैंने ना घी डाला है ना ऑयल डाला है, ये उसके अलावा ही इतने मज़े के बनेंगे। सिर्फ नमक से मैंने इसको नमक और पानी लगा के नॉर्मल टैप वाटर के साथ गूंदा है, और आप देखें माशाल्लाह तेल में जाने के बाद ये किस तरह से फूल रहे हैं। बस हल्का सा जब गोल्डन कलर हो जाए तो ये आपके पूरी पराठे जो है बस रेडी हो गए हैं। बाज़ार में पूरी पराठे का रेट अच्छा खासा है, तो आप कोशिश करें कि बच्चों को अपनी अच्छी चीज़ें खिलाएं, फ्रेश चीज़ें खिलाएं और साफ़ सुथरी आपके घर में। देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे, मैंने यहाँ पे 10 पूरी पराठे बनाए थे और नेक्स्ट डे भी हमने इंजॉय किए थे, आटा अच्छा खासा था। तो ये देखें गरम गरम ज़बरदस्त से हमारे पूरी पराठे बिल्कुल रेडी हैं। एक मैं आपको निवाला तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें मेरे मुंह में तो अभी भी देखने के बाद पानी आ रहा है। अच्छा, ये देखें हमने एक और कढ़ाई ली है छोटी, इसमें हम बना रहे हैं सूजी का ज़बरदस्त जो हलवाई जिस तरह से हलवा बनाता है, सेम ये बस क्वांटिटी का फ़र्क है, सेम उसी स्टाइल से हम हलवा बना रहे हैं।
आप यकीन करें कि अगर आप एक दफ़ा इस तरह से हलवा बना लेंगे तो आप कभी भी बाज़ार से हलवा नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून जो है वो मैंने सूजी के लिए हैं। टेबल स्पून से इस तरह ये बता रही हूँ कि टेबल स्पून जो है सबके घर में मौजूद होता है, मेजरिंग कप अक्सर लोगों के घर में नहीं होते हैं। यहाँ पे 5 टेबल स्पून मैंने नाप के जो है वो सूजी डाली है कढ़ाई में, आप चाहे तो पतीली में भी बना लें। और उसको हल्का सा बस गोल्डन ब्राउन किया, बिल्कुल लाइट कलर, ये नहीं कि मैं इसको जला दूँ, बिल्कुल हल्का सा। इसके बाद मैंने इसमें 2 इलायचियाँ तोड़ के डाली हैं और मैंने इसमें 6 टेबल स्पून के जो हैं वो घी के डाले हैं, ठीक है। 6 टेबल स्पून घी है इसमें, और जब घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें जो है 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इसमें डाले हैं 8 टेबल स्पून चीनी के, ठीक है, और थोड़ा सा कलर डाला है। आप चाहें तो इक्वल भी रख सकते हैं, जिस तरह से 5 चमचे जो है सूजी और 10 चमचे चीनी, ठीक है, इसका जो रेशो होगा ये होगा। लेकिन हमारे घर बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता, नॉर्मल दरमियाना मीठा हम लोग खाते हैं, और तो 8 चमचे चीनी बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगी आपकी। आप एक दफ़ा इस तरह से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी फैमिली को पसंद आएगा, ठीक है। और ये मैंने हल्का सा इसमें फूड कलर डाला है, बिल्कुल मामूली सा। और इसमें जब एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, चीनी को बहुत ज़्यादा शीरा नहीं बनाना, बस एक बॉयल पे ही आपने जो है सारा जो आपने सूजी आपने भुनी थी, 5 टेबल स्पून जो सूजी थी वो आप हल्की सी बस हल्के हाथों से चलाएंगे और बस इसको हल्की आंच करके इस पर दम दे देंगे, इसका ढक्कन लगा देंगे, ठीक है। याद रहे कि चीनी आपने बहुत ज़्यादा जो देर नहीं पकानी है, ठीक है। 15 मिनट दम देने के बाद आपका मज़ेदार हलवाई स्टाइल का हलवा तैयार है। साइडों में आप घी देख लीजिए, इतना ज़बरदस्त सा साइडों में घी है, हलवा आपका एकदम से रेडी है। घर वाले आपके खाएंगे और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। आप चाहें तो 2 कतरे इसमें आप रोज़ ऑर्डर के भी डाल सकती हैं, ठीक है। और मेरे घर वालों को बादाम वगैरह इस ये वाले हलवे के साथ पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाले। और टिक्के भी हमारे माशाल्लाह सीख चुके हैं। और ये देखिए हमारे पास हरी चटनी, रेगुलर हरी चटनी है, जो मैंने धनिया, पुदीना, मिर्च और थोड़ी सी इमली और नमक से गूंदी है, ग्राइंडर करी है, सॉरी। और ये रायता हमारा ज़बरदस्त सा, लच्छे वाली प्याज और हमारे जूसी और फ्लेवरफुल टिक्के, आप देखें कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखें इतने ज़्यादा सॉफ्ट, इतने फ्लेवरफुल के मैं आपको क्या बताऊँ। वीकेंड आ रहा है, आप भी जाइए और ज़बरदस्त से ये रेसिपी इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपके ये जो चिकन टिक्के हैं किस तरह से बने, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।